नमस्कार। तो आज हम लोग करेंगे आरटीपी मई 2019 का पेपर, राइट। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप पास दो तीन साल का पेपर और पास दो तीन साल का आरटीपी ज़रूर करके जाएं, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डन इन द क्लास। तो यही हमारा प्रयास रहा है। हम लोगों ने तीन चार पेपर कर लिया है पास, दो आरटीपी कर लिए है, आज हमारा तीसरा आरटीपी है, आरटीपी मई 2019। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन मटेरियल कॉस्टिंग का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किसी टेक्स्ट बुक में या इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में नहीं देखा है, राइट। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अभी तक आया नहीं है, आने की हाईली प्रोबेबिलिटी रखता है। नाउ लास्ट आरटीपी जो हमने किया था उसमें भी मटेरियल कॉस्टिंग का एक ऐसा सम था जिसमें कॉन्सेप्चुअल को हमारा टेस्ट किया गया है। यहाँ पर भी पूरा कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जा रहा है। आप लोग जब सम को पढ़ेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअलाइज्ड हैं प्रॉपरली तो आपको ये क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। आइए, सो अनन्या लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग अ रॉ मटेरियल डी। मतलब प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए उसको डी चाहिए, राइट। फॉर मेकिंग प्रोडक्ट एक्स उसको डी का रिक्वायरमेंट है। टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ एक्स 2 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। मतलब एक बनाने के लिए 2 डी चाहिए, कन्वर्जन रेशियो दिया हुआ है। एक्स का सेल्स डिमांड दे दिया है 10,000 यूनिट। रॉ मटेरियल से रिलेटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज 200 kg लेस देन द ईओक्यू। जरूरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से जरूरी नहीं है आपको ऑर्डर करना है। दैट इज द बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी एट विच सम टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ईओक्यू पे ऑर्डर करें। आपका रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 कम है जो भी आपका ईओक्यू आएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। ओपनिंग स्टॉक 1,000 kg है, मतलब डी का। लीड टाइम 4 to 8 weeks दे दिया तो एवरेज 6 होगा। परचेज प्राइस 125 पर kg। फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक है 900। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटीज 13.76%, राइट। टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू इनकर 720 ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। तो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया एक ऑर्डर करने का। हम लोगों को रीऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालना, मतलब ईओक्यू आ जाएगा उसको 200 लेस कर देंगे तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी आ जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग द ईओक्यू। मतलब आज अगर हम ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर करते हैं तो हमारा टीओसी और टीसीसी क्या आता है, और रीऑर्डरिंग क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर करते हैं तो टीओसी टीसीसी क्या आता है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेविंग या एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। बट ऑब्वियस एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं खास बट कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है प्रॉपरली। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि आपका एनुअल प्रोडक्शन कितना है, क्योंकि उसी प्रोडक्शन के हिसाब से रिक्वायरमेंट आएगी, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेस्ड आएगा। और हमारे ईओक्यू में जो ए होता है ना, दैट इज एनुअल रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड नॉट कंज्यूम्ड। अभी तक हम लोग एनुअल कंजम्पशन को ही परचेज बोलते थे क्योंकि हमारा अपने ये मानते हैं कि वी मेंटेन इक्वल स्टॉक थ्रू आउट द ईयर। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपस में कट जाता था तो कंजम्पशन इक्वल्स टू परचेज आता था, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हमें नोट नंबर 1 में ये निकालना है कि हमारा एनुअल प्रोडक्शन कितना होगा, दैट इज सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक
माइनस ओपनिंग स्टॉक दस हजार सोल्ड है, क्लोजिंग दिया नहीं है, ओपनिंग 900, तो 9100 यूनिट आ रहा है। मतलब पूरे साल में हमको इतना प्रोडक्शन करना है, सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 10,000 प्लस 0 माइनस 900, तो हमें साल में इतना प्रोडक्शन करना है। नाउ इस प्रोडक्शन के हिसाब से हमको एनुअल कंजम्पशन ऑफ डी आएगा, दैट इज 9100, और एक के लिए 2 केजी चाहिए, दैट इज 18,200 केजी। इतना हमको चाहिए और ऑलरेडी हमारे पास 1000 केजी डी का पड़ा हुआ है, सो एनुअल ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे को 18,200 चाहिए, लेकिन हमारे पास 1000 पड़ा हुआ है पहले का, तो हमको साल में 17,200 केजी चाहिए। तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तक जितना भी प्रॉब्लम किया हम लोगों ने, इतना तो पता है हमको रॉ मटेरियल का एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए, फिनिश गुड्स का नहीं। तो जितना भी सम हम लोगों ने किया वहां पे डिमांड इक्वल्स टू प्रोडक्शन, और जो कंजम्पशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन वही हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट आता है, क्योंकि यहां पे स्टॉक पोजीशन है बोलकर डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन के बेसिस पे जो कंजम्पशन आ रहा है दैट इज नॉट इक्वल्स टू परचेजेस। तो इन सब चीजों में हमको ये वाला चीज लेना है, हाँ या ना? When I calculate economic order quantity, so I have to take 17,200 is my annual requirement, मतलब quantity to be purchased, इसको हम लोग बोलेंगे quantity to be purchased during the year, इसी का हम planning करेंगे, प्लानिंग हम लोग इसी चीज का करेंगे। इज दैट फाइन? बरोबर है? है ना? तुम्हारा सबसे पहला है नोट नंबर 4 में, अब हम ईओ क्यू निकालेंगे 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी एच, वेयर ए इज इक्वल्स टू 17,200 के जी सी एच इक्वल्स टू 125 रुपए का 13.76%
125 का कैलकुलेटर चलिए आइए, 13.76% तो आएगा 17.20 PUP है। बैठा दीजिए, 2 × 17 200 × 720 बाई 17.20। चलाइए कैलकुलेटर। कितना? 1200 kg आ गया ना हमारा। ठीक है, तो हमें ये नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं लेना है। वॉट वी हैव टू टेक इज दिस इन द ईओक्यू फॉर्मूला। आई हैव मेड इट वेरी क्लियर द क्वांटिटी टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उसका ईओक्यू निकलता है कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। आ गया, तो पहला पार्ट हो जाएगा, बोलेगा रीऑर्डरिंग क्वांटिटीज 200 लेस देन द, रीऑर्डरिंग क्वांटिटीज 200 लेस देन द ईओक्यू। सो 1000 आएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अभी अपने को मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल निकालना है, तो उसके लिए मैक्सिमम कंजम्पशन वगैरह चाहिए। सो नोट नंबर 5, व्हाट इज आवर एवरेज कंजम्पशन पर डे, दैट इज एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 364 लेने बोला अपने को क्वेश्चन में। दे हैव टोल्ड अस टू टेक 364 डेज, तो अब कंजम्पशन क्वांटिटी लेंगे डिवाइडेड बाय 364, दैट कम्स टू 50 kg पर डे। तो हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना आएगा? 50 में प्लस 20 kg, दैट कम्स टू 70 kg। फिफ्टी में प्लस 20 kg दैट कम्स टू 70 kg। ठीक है, अभी लगे हाथ, एनुअल कंजम्पशन के बेसिस पे हमारा एवरेज कंजम्पशन आएगा। अब लगे हाथ हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन आ गया हमारा, अब लगे हाथ हम लोग मिनिमम कंजम्पशन निकाल लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल में काम आएगा। तो हमें पता है, वी नो एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन बाय टू। सो ये हमारा 50 है, इसको एक्स ले लो, ये 70 है, तो एक्स आ जाएगा हमारा 30 पर डे। सो देयरफॉर मिनिमम कंजम्पशन पर डे इज इक्वल्स टू थर्टी के जी पर डे।
इज दैट फाइन? ठीक है, सब हमारा सब चीज इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोला है? री ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, साफ साफ लिख दिया, ईओक्यू से 200 केजी कम, सो दैट कम्स टू 1000 केजी, राइट? पार्ट टू, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फॉर्मूला है आरओएल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, कुछ नहीं बोला रहता है तो अपने वही ले लेते हैं, ईओक्यू को ही, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो आरओएल क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, राइट? प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 1000 केजी है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, कितना आ रहा है? 1440 केजी। इज दैट फाइन? पार्ट थ्री में हम लोगों को पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल, दैट इज आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इन टू एवरेज लीड टाइम। तो ये तो है तुम्हारा 70 × 8 माइनस 50 × 6, 260 के जी। इज दैट फाइन? ठीक है, अभी पार्ट फोर बोलता है अगर हम इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, बहुत आसान है, व्हेन परचेजिंग आरओक्यू ईच टाइम,
वेंट परचेजिंग ईओक्यू ईच टाइम, ठीक है। तो यहां पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज 1000 केजी, यहां पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज 1200 केजी, ठीक है। तो अपने अगर टीओसी देखेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सो दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ओ, है ना। तो 17,200 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 17.2 ऑर्डर्स आ रहा है। तो बहुत जन क्या करते हैं डेसिमल में ले लेते, बट यू कैन राउंड इट ऑफ। 17,200 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 17.2 ऑर्डर्स, तो 17.2 ऑर्डर्स तो होता नहीं है। सो दिस इज 18 ऑर्डर्स इंटू 720, दैट इज 12,960, ठीक है। यहां पे 17,200 डिवाइडेड बाई 1200 करना है, बोलो कितना आ रहा है, 14.33। तो उसको 15 ऑर्डर ले लो, तो 15 ऑर्डर इंटू 720 ये आवेंगे 10,800, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्यू बाई टू इंटू सी एच, 1000 का एवरेज होगा 500 इंटू 17.2 है सी सी पी यू पी ए, कितना 8,600 रुपये, 1200 का एवरेज होगा 600 इंटू 17.20, कितना आएगा 10,320 है। तो कितना आ रहा है रुपीज 21,560, और ये 21,120, राइट। सो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड फॉर नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू इज इक्वल्स टू 440, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। ये ईओक्यू नहीं ऑर्डर करने का एक्स्ट्रा कॉस्ट है 440 रुपया, इज दैट फाइन? आपको पीछे समझ में आ रहा है? ठीक है, एक भी बंदा अगर जो यहां बैठा है क्लासरूम में, अगर वो कह दे कि सर हमने कॉन्सेप्ट से भटकर कुछ कराया है, तो आप मुझको बोलो भैया पेपर में
जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज्ड होता है, स्टार्टिंग के कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो प्योरली कॉन्सेप्ट होते हैं। हमने हमारी स्टडी मटेरियल का जो स्टार्टिंग का सम्स है ना, आप देखेंगे दैट 50% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम द बेसिक सम्स, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स वाले होते हैं, राइट। आइए, हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को यहाँ पे नोट देके लिख दीजिएगा, दैट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज राउंडेड ऑफ, राइट। नेक्स्ट सवाल, कंपनी इज लेबर कॉस्टिंग का सम है। अ कंपनी इज अनडिसाइडेड एज टू व्हाट काइंड ऑफ वेज सिम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन कंपाइल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ थ्री वर्कर्स विच आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। आवली रेट दे दिया, एक्चुअल आवर्स वर्क दे दिया, किसने कितना प्रोडक्शन किया वो दे दिया, टाइम अलाउड पर मिनट दे दिया। राइट, एक्चुअल आवर्स वर्क दे दिया, आवर्ली रेट दे दिया, कौन से वर्कर ने कितना प्रोडक्शन किया है वो दे दिया है, टाइम अलाउड इन मिनट्स दे दिया है पर यूनिट का, और पीस रेट के लिए 1 मिनट की कीमत है 1 रुपये है, तो 1 घंटे की कीमत हो गई 60 रुपये। हमको वेजेस ऑफ ईच वर्कर निकालना अंडर गारंटीड आवरली, तो वो तो टी इन टू आर होता है, पीस वर्क अर्निंग मतलब दैट इज ए इन टू आर, और यहाँ पे आर विल बी एट पीस रेट के हिसाब से जो दिया हुआ है, बट गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे यहाँ पे बोला है अगर उसका अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक पे, तब उसको बेसिक पे का 75% मिलेगा, ठीक है। और रोवन का निकालना है, तो हमारे बुक में जो सम है उसमें ए है एंड सी है, बी नहीं है, सेम प्रॉब्लम, ए है और सी है, बी वाला नहीं है, तो हम लोग देख के कर लेंगे। तो इस टाइप का सम में हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, टाइम अलाउड, क्योंकि वही हमारा मेन वर्किंग नोट है, उसके बाद तो फॉर्मूला में बैठाना है, आंसर आ जाएगा। आइए, सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, पढ़ी लीजिए आप लोग एक बार और, आइए, सो वी विल डू आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू। सबसे पहला वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ टाइम अलाउड फॉर ईच वर्कर, वर्कर वन टू थ्री, ठीक है। तो वर्कर वन ने क्या क्या बनाया है, ए भी बनाया, बी भी बनाया, सी भी बनाया, प्रोडक्ट ए भी बनाया है, बी भी बनाया है, सी भी बनाया है, 210 ए बनाया है, 360, 460, 210 इंटू 15 मिनट,
360 इंटू 20 मिनट और 460 इंटू 30 मिनट, तो इसका आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम इन मिनट्स, टाइम अलाउड इन मिनट्स, उसको डिवाइड बाय 60 करके आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फटाफट बताइए, 210 इंटू 15, 3150, फिर 360 इंटू 20, 7200, फिर हमारा 460 इंटू 30, 13800, जो भी आ रहा है, प्लस 7200 प्लस 3150, 24150, तो आ जाएगा हमारा टाइम अलाउड इन आवर्स 24150 डिवाइडेड बाय 60, फोर जीरो टू पॉइंट फाइव आवर्स। ठीक है, टू ने कुछ भी नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया, खाली ये बनाया है 250 इंटू 30, तो ये आएगा हमारा 250 इंटू 30, 7500 घंटा डिवाइडेड बाय 60, 125 आवर। इसने बनाया है 600 इंटू 15, आ गया 9000 घंटा और 1350 इंटू 20, आएगा 27000 घंटा, ये कुछ भी नहीं है, 36000 घंटा, तो आएगा 600 घंटा। इज दैट फाइन ना? अब हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। द मोमेंट वी हैव कैलकुलेटेड दिस, हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। इज दैट फाइन? सो पहला क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट इज गारंटीड आवली रेट्स, तो इसमें वेजेस होता है टी इन टू आर। ठीक है, तो वर्कर वन का, वर्कर टू का और वर्कर थ्री का कितना आ रहा है? तीन सौ अस्सी घंटा, सौ घंटा
540 घंटा, 40, 50, 60, पंद्रह हजार दो सौ, 5,000, और ये आ रहा है 540 × 60, 32,400। इज दैट फाइन? और क्या करना है? टी इन टू आर है, सिंपल है। नंबर टू में बोला है पीस रेट स्कीम, दैट इज ए इन टू आर, और रिमेंबर यहां पे आर है 60 रुपये, क्योंकि एक मिनट का 1 रुपया, तो 60 मिनट का 60 रुपया, सो वर्कर 1, 2, 3, 402.5, 125, 600 × × × 60, 60, 60, सभी का आर सेम है। पीस रेट सिस्टम के लिए सभी का आर इज सेम। कितना आ रहा है? 24,150, 7,500, 36,000। अब ध्यान दीजिएगा, इसका 50% कितना होता है बेसिक पे का? 7,600। तो मेरा पीस अर्निंग इज मोर देन 50% ऑफ बेसिक पे, तो इसको पीस रेट ही मिलेगा। 5,000 का बेसिक पे का 50% 2,500 होता है, तो इसका 7,500 इज मोर देन 2,500। इसका 50% होता है 16,200, विच इज मोर देन 30। समझ में आ रहा है? सो अर्निंग्स अंडर पीस रेट स्कीम is more than 50% of guaranteed wages in each cases, therefore total earnings of each worker will be same as above. या तो आप ऐसे कर सकते हैं, समझ गया ना? मतलब फंडा क्या है, जैसे वर्कर ए का मैं दिखा रहा हूं, वर्कर वन का पीस रेट स्कीम में इसका आया 24,150, और 50% ऑफ गारंटीड वेज आ रहा है 7,600, तो ये ज्यादा है ना। So therefore, wages equals to 24,150. अगर ये कम रहता तो wages होता 75% of guaranteed. अगर piece rate system guaranteed का 50% से नीचे होता तब wages होता 75% of basic. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को अलग से करने का दरकार नहीं, दिया हुआ रहता है। ये गौर करने वाली बात है, सारे केसेस में ये 60 है,
पीस रेट सबका सेम है, इसीलिए तो अपने डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम में जाते हैं कि वर्कर वर्किंग विथ हायर एफिशिएंसी शुड बी पेड एट अ हायर रेट देन अ वर्कर वर्किंग विथ लेसर एफिशिएंसी और नो एफिशिएंसी। ठीक है, लास्ट वाला बोला है रोवन स्कीम। तो रोवन स्कीम में क्या होता है, टी इन टू आर प्लस टी बाई ए इन टू ए माइनस टी इन टू आर, यहाँ पे आर जिसका रेस्पेक्टिव है वो लेंगे। तो गारंटीड तो आ चुका है, पहले सबका बोनस निकाल लीजिए। तो 380 बाई 402.5 इंटू 402.5 माइनस 380 होल इंटू 40, वैसे ही 2 का 100 बाई 125 इंटू 125 माइनस 100 इंटू 50, 3 का 540 बाई 600 इंटू 600 माइनस 540 इंटू 60। तो सबका पहले बोनस निकाल लिया, सेकंड पार्ट सेकंड हाफ। राइट, एट 49.68, तो इसको अपने 850 ले लेंगे। यहाँ 1000 ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे 3240। राइट, अभी वेजेस कैसे आएगा, गारंटीड प्लस बोनस, सो 1 2 3 15,200 प्लस 850, दैट इज 16,050। यस और नो? हाँ, इसका है 7,500। नो, 7,500 नहीं है, 5,000 प्लस 1,000 दैट कम्स टू 6,000। इसका है 32,400 प्लस 3240 दैट इज ठीक है,
डन, आइए. सो नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, कॉस्ट शीट वाला, ठीक है? देन वी विल गो फॉर द ओवरहेड एंड एक्टिविटी. तो क्वेश्चन अब करेंगे, सारा ही करेंगे, अभी मन नहीं है. इट्स अ सेम प्रॉब्लम विच इज देयर इन आवर स्टडी मटेरियल, राइट? सो लेट अस डू फर्स्ट कॉस्ट शीट. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? आइए, बेसिक कॉस्ट शीट है, फटाफट पढ़ लो. रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग परचेज दे दिया, फ्रेट दे दिया, आ जाएगा. डायरेक्ट वेजेस पे आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम का, WIP ओपनिंग क्लोजिंग ये सब दे दिया, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल दिया, WIP नहीं. तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त ही सेल ऑफ स्क्रैप माइनस हो जाएगा. अच्छा, फॉर्म प्रोड्यूस इतना किया है, सेल इतना किया है, फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब फीफो मेथड फॉलो करने बोला है. तो सबसे पहला ही नोट नंबर 1 होता है हमारा, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स. इसमें क्या क्या है देख लो. ओपनिंग है 1217, प्रोडक्शन सोल्ड है 14153, प्लस क्लोजिंग को एक्स ले लो. तो इसको इधर ले आओ. वन ज़ीरो सिक्स फोर यूनिट्स, वेरी गुड. ये हमारा क्लोजिंग फिनिश. हमेशा कॉस्ट शीट के सम्स में आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा. यस, करेक्ट. आइए, नोट नंबर 2 में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, दैट इज ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस फ्रेट इनवर्ड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस सेल ऑफ स्क्रैप. फटाफट बैठा दीजिए फिगर. ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, 2,28,000, परचेज है 42,25,000, फ्रेट है 1,00,000, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 3,05,000 और सेल ऑफ स्क्रैप है 8,000 का. इतना कॉस्ट शीट हम लोगों ने किया है, हम लोगों को चीज़ें रट जाती हैं कई बार. फोर्टी टू लैख 40,000, वेरी गुड. तो ये हम हमेशा कर लेंगे, ये दो चीज, इट विल बी इजी फॉर अस, राइट? क्लोजिंग स्टॉक या कोई भी एक यूनिट नहीं देगा वो लोग, तो वो निकाल कर
और रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल के देन वी मूव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉशेट. यस आइए. सो नाउ वी विल प्रिपेयर कॉस्ट शीट जिसमें प्रोडक्शन है हमारा 14,000 यूनिट का, सोल्ड है 14,153 यूनिट्स. Is that fine? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आपका पेड के साथ आउटस्टैंडिंग ऐड कर दीजिए. बारह लाख छप्पन हजार के साथ यू ऐड 150, 14,06,000 छः हजार आएगा. राइट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ 56,46,000. फिफ्टी सिक्स लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड का 20% कितना? 11,29. टू हंड्रेड. ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी देखिए कितना है. वन नाइन्टी टू फाइव हंड्रेड एंड 147,000. तो ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा कितना? करिए 68,27,000. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल दिया, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो यहाँ ऊपर ऐड कर देंगे.
राइट, सो दैट कम्स टू हाउ मच, सत्तर लाख प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स 6085 00 माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो 70 लाख अगर 14,000 का है तो 1064 का कितना होगा? फाइव लैख 32,000, तो आ गया मेरा 32,000 ठीक है, सत्तर लाख 76,500 प्लस सेलिंग ओवरहेड, क्वेश्चन में बोला है 16 रुपया करके, तो 14,153 यूनिट्स है, इंटू 16 करके टू टू सिक्स 448, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 7302948, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमारे पास सेल्स है 14,153 इनटू सेलिंग प्राइस बोला है 618 करके, राइट 14,153 इनटू 618 तो 87 लाख 46,554 माइनस 7302948 1443606, पूरा मगन होके करना पड़ेगा। क्वेश्चन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, ये वाला पार्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट हो रहा है, और ये सब चीज तो कॉमन सी बातें मैंने आपको बता दी, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बेसिस पे होगा ये सेलिंग ओवरहेड। डन, इज इट फाइन एवरीवन?
राइट। नाउ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का सम है अगला वाला,